इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है इफ एक्स एंड वाई कनेक्टेड पैरामेट्रिकली तो आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पैरामेट्रिकली का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कर्व अगर हम मान लेते हैं से ये कोई कर्व है, ठीक है, से कर्व का नाम हम सी टू दे देते हैं, और अगर इस पर आप कोई पॉइंट पिकअप करते हो से पॉइंट कोई क्यू है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए एक्स कॉमा वाई, तो जैसे जैसे थीटा वेरी करोगे है ना वो एक्स भी चेंज होगा, मतलब थीटा जो है एक्स को भी हैंडल कर रहा है और थीटा वाई को भी हैंडल कर रहा है साइमल्टेनियसली। इसका मतलब दैट इज अ सिंगल पैरामीटर, जब भी इस सिंगल पैरामीटर को आप चेंज करोगे एक्स और वाई दोनों चेंज होगा, और एक्स वाई दोनों चेंज होगा तो क्यू की लोकेशन चेंज होती चली जाएगी, मतलब वो कर्व पे ट्रांसवर्स करेगा, ठीक है। खैर ये तो कर्व की बात हो गई, आपको यहां पे करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स चूंकि थीटा का फंक्शन है, ए टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा है, तो आप इसको एक्स के थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि एक्स थीटा का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा। ए आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ ये ब्रैकेट डिफरेंशिएट होगी फिर थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां एलजेब्रा लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है, मतलब ये सेपरेटली डिफरेंशिएट, मतलब जो फंक्शन का डिफरेंस है वो डिफरेंशिएशन का डिफरेंस आप देखोगे, तो ए डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा एंड माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और साइन थीटा डिफरेंशिएशन आपका कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा, से इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ इसी तरह से हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, से y क्या आपका है, y आपका है a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दैट इज d बाई डी थीटा ऑफ y दैट इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, तो a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो a टाइम्स d बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, अब ये सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट करेगा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ 1 और प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ठीक। तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, तो दैट इज 0 प्लस, और कॉस का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन थीटा हो गया, तो कंप्लीटली आपका आ गया यहां पे माइनस ए साइन थीटा, दैट इज से योर फोर्थ इक्वेशन दैट इज डीवाई बाई डी थीटा, लेकिन हमें तो निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स के लिए सिंस जो डीवाई बाई डी एक्स है इट कुड बी रिटेन एज ए डीवाई बाई डी थीटा होल अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या हम लोग हमेशा ऐसा लिख सकते हैं कि डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का डिवीजन होगा, तो आंसर आपको लास्ट में बताएंगे वीडियो के, ठीक है। देखिए फिर यहां पे डीवाई बाई डी थीटा, डीवाई बाई डी थीटा क्या हो गया आपका माइनस ए साइन थीटा, और ये आपका हो गया ए टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा, ए गेट कैंसिल्ड आउट। अब डीवाई बाई डी थीटा तो आपका डीवाई बाई डी एक्स तो आपका निकल गया, ठीक है, ये आपका एक सिस्टम आ गया जिसे आप आंसर मेंशन कर सकते हो, लेकिन जो आप बुक में देखोगे पीछे वहां आंसर आपका ये नहीं दिया होगा, यहां से सिंप्लीफाई किया होगा, दैट मींस यहां के बाद फर्दर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, तब आपको आंसर मिलेगा, डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो चुका है वैसे, ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का काम बचा है, तो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, और वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर
थीटा बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई टू, एक साइन थीटा बाई टू से कैंसिल हो गया, बच क्या गया ये माइनस, और कॉस थीटा बाई टू एंड अपॉन साइन थीटा बाई टू, दैट कम्स आउट टू बी कॉट थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू डीवाई बाई डी एक्स, ठीक, दैट इज योर आंसर। चलिए, तो जो हम लोगों ने बात करी थी कि क्या डीवाई बाई डी एक्स को हमेशा डीवाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर x कांस्टेंट फंक्शन हो गया, सोचिए क्या होगा, अगर x कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो d बाई डी टी ऑफ x जीरो हो जाएगा, और किसी भी नंबर को जीरो से, किसी भी नंबर का जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मतलब वहां पे ये डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब ये हर बार फॉर्मूला फेल होगा जब dx बाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिए x को कांस्टेंट फंक्शन होना पड़ेगा, मतलब x अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो आप ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है।